लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए News 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका News 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। इंदौर एसटीएफ ने भू माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए महू में बने गोल्डन प्रोजेक्ट लिमिटेड की हरसोला पर विकसित की गई फर्जी शांति पैराडाइज से जुड़े मामले में कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल करोड़ों रुपए की शासन की भूमि इस कार्रवाई के बाद मुक्त होने की संभावना जताई जा रही है। एसटीएफ की माने तो 1 एकड़ से भी कम भूमि को कूट रचित दस्तावेज कर 20 एकड़ भूमि बना दिया गया, जिसे कई लोगों को प्लॉट काटकर कागजों पर बेच दिए गए। एसटीएफ की माने तो इससे 400 परिवारों को यह भूखंड बेचे गए हैं। एसटीएफ की मिली शिकायत के बाद इस मामले में जांच की गई, क्योंकि गोल्डन प्रोजेक्ट लिमिटेड ग्राम हटसोला पर किसी भी तरह की खरीद फरोख्त पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रोक लगी है। लेकिन इसी बीच भू माफियाओं ने शांति पैराडाइज नाम की अवैध भूमि पर टाउनशिप बनाई और लोगों को फर्जी दस्तावेज तैयार कर यहां पर प्लॉट बेच दिए गए। एसटीएफ ने इस मामले में सचिन सोनी, दमयंती बाई और शैलेंद्र अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ के मुताबिक भू माफियाओं ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। फिलहाल एसटीएफ इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, News 29 इंडिया। आपने बताया तो जरूर हम इसको देखेंगे, पर इसमें मूलतः ये आया है कि पहली जो रजिस्ट्री है वो 23 लाख को ही, बाद में उस रजिस्ट्री को कम पैसे में किया गया दमयंती बाई को, और जो अग्रवाल बिल्डर्स को बेचा गया है वो जमीन वो 2 करोड़ के आसपास के में बेचा गया, जबकि इसकी लागत काफी अधिक थी। और अब इसके पूरा पाया गया कि इन लोगों के द्वारा इस कंपनी की जो भी जमीन थी इसको बेच के अवैध लाभ कमाया गया। इसमें और बताना चाहूंगा, कंपनी के द्वारा जो सोनी है, सचिन सोनी और सचिन सोनी, इसको उस जमीन के बदले के चेक भी दे दिए गए थे, जबकि उसमें होता यह है कि या तो कंपनी द्वारा पैसा वापस कर दिया जाता है या उस एवज में उनको जमीन दी जाती, तो उनको चेक भी वापस हो गए थे। शासन की मंशा के अनुरूप एडीजी एसटीएफ डॉक्टर अशोक अवस्थी सर के निर्देशन में एसटीएफ मुख्यालय में एक अपराध क्रमांक 13/20 कायम हुआ, जिसकी जांच पिछले कई दिनों से की जा रही थी। इस जांच में यह पाया गया कि गोल्डन फॉरेस्ट कंपनी की एक सहायक कंपनी है गोल्डन प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी, जिसने महू तहसील के कुछ गांवों में अपना निवेश किया था, उस कंपनी में एक भोपाल निवासी श्री विश्वनाथ सोनी जी द्वारा कुछ पैसों का निवेश किया गया था। तो विश्वनाथ सोनी जी के दामाद जो है सचिन सोनी उर्फ सचिन सोनी, इन्होंने एक गोल्डन प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी का एक एफिडेविट अथॉरिटी लेटर तैयार कराया है गोल्डन प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी की तरफ से, जिसमें उन्हें 8.290 एकड़ जमीन बेचने की बात उनके द्वारा बताई गई। बाद में जांच में यह पाया गया कि यह जो अथॉरिटी लेटर था यह पूर्णतः फर्जी था, जबकि मूल लेटर में इनके जो जमीन का उल्लेख था वो 0.290 हेक्टर जमीन का था। जब जांच हुई तो यह पाया गया कि श्री सोनी द्वारा जो अथॉरिटी लेटर है उसके द्वारा इन्होंने अपनी पत्नी को सर्वप्रथम उस हरसोला स्थित जमीन की रजिस्ट्री कराई है, बाद में उस जमीन को उन्होंने एक हरसोला निवासी कोई दमयंती बाई उनको बेच दिया, और बाद में ये इंदौर के कुछ बिल्डर्स हैं शैलेंद्र अग्रवाल और अमित अग्रवाल, इन दो लोगों को बेचा, जिसमें आज शांति पैराडाइज करके कोई कॉलोनी चल रही है। इस तरह पाया गया इसमें कई अन्य लोगों की भूमिकाएं, जो हमारी टीम है जिसमें सब इंस्पेक्टर श्याम किशोर त्रिपाठी, अमित दीक्षित, विवेक जनकलाल है, इनके द्वारा जब जांच की गई तो ये पाया गया कि इस जमीन में कई हेरा फेरी में कई अन्य शातिर माफिया और कुछ गुंडे तत्व भी शामिल है। पाया गया कि जो पैसों का लेन देन हुआ है उसमें भी कुछ अन्य लोग भी शामिल हैं, जिनकी हम लोग अभी जानकारी निकाल रहे हैं और बाद में इनकी कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसा इसमें कुछ अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, इसमें भी हम जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। तो आप देखते रहिए News 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।